गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने समय एवं गति के बारे में पढ़ा था। आज भी हम यही चैप्टर कंप्लीट करेंगे और इसके एक्सरसाइज करने वाले हैं हम लोग। तो हमारा चैप्टर नंबर 11 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, समय क्या है, हमें समय मापने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, समय को दो निश्चित घटनाओं के बीच अंतराल, ये पूरा कंप्लीट करना है यहाँ तक। उसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, सरल लोलक की अवधारणा को समझाइए, सरल लोलक की सहायता से आप किस प्रकार समय को माप सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ से लिखेंगे, लोलक एक दोलन पूर्ण करता है जब गोलक अपने स्थान जीरो से गति प्रारंभ करता है और ए तक जाता है, फिर दूसरी तरफ बी तक जाकर वापस ऊपर आ जाता है। और इसके लिए आप ये वाला चित्र भी बनाएंगे। इसका आंसर आप ये कंप्लीट यहाँ तक करोगे। अगला क्वेश्चन है, बच्चों प्रयोगशाला में आप किस प्रकार की घड़ियों का प्रयोग करते हैं और क्यों। तो ये हम बाद में करेंगे, अभी आप करोगे किसी पिंड को आप कब गति में कह सकते हैं। इसका आंसर आप यहीं से लिखोगे, जब कोई पिंड समय के साथ अपनी स्थिति परिवेश के सापेक्ष लगातार बदलता रहता है तो वो गति में कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गति के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो इसके लिए आप ये क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट करेंगे, इसका आंसर यहाँ से लिख के, एक समान गति, और उसके बाद इसमें ये भी कंप्लीट करना है, वह जब पिंड बराबर समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियाँ तय करता है तो इस प्रकार की गति को असमान गति कहते हैं, यहाँ तक कंप्लीट करना है। अगला क्वेश्चन है, चाल क्या है, चाल को आप गणितीय रूप में कैसे प्रस्तुत करते हैं, इसका एसआई मात्रक। इसका आंसर बच्चों आप यहाँ से करेंगे, किसी गतिमान वस्तु की चाल से लेकर, और ये आपको एसआई मात्रक भी लिखना है चाल का, और मीटर प्रति सेकंड संक्षिप्त रूप है, यहाँ तक कंप्लीट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूरी समय ग्राफ क्या है, दूरी समय ग्राफ से आप किस प्रकार वस्तु की चाल की गणना कैसे करते हैं। तो बच्चों इसके लिए आप यहाँ से लिखेंगे, यदि हम बराबर समय अंतराल में किसी वस्तु को, तो यहाँ तस्वीर प्राप्त होती है। उसके बाद आप ये सारणी भी बनाएंगे और ये वाला ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विभेद कीजिए, एक समान गति एवं असमान गति, तो ये हम पहले ही कर चुके हैं, इसे नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, एक समान चाल एवं असमान चाल, ब्राम एवं गति, और ब्राम घड़ी एवं पेंडुलम घड़ी, तो ये हम नहीं करेंगे, हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे, ये भी करेंगे और ये भी करेंगे। खाका टू आप यहाँ से करेंगे, कोई पिंड उस समय ब्राम में कहा जाता है से लेकर वस्तु गति में कहलाती है, ये कंप्लीट करेंगे। और स्पीड में आप यहाँ से लिखेंगे ये क्वेश्चन, जब कोई वस्तु बराबर समय अंतराल, खाका थर्ड वाला, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक करेंगे, और उसके बाद इसे ही आप यहाँ से फिर से कंटिन्यू करेंगे, और प्रवर्ती गति कही जाती है यहाँ तक, चाहे समय अंतराल छोटा ही क्यों ना हो, ये कंप्लीट लाइन, दोनों लाइन कंप्लीट करनी है। अब बच्चों आते हैं आंकिक प्रश्नों पर। तो ये पहले क्वेश्चन मैंने ये करा भी रखा है, अभी एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट। देखो बच्चों, इसमें एक कार के बारे में दिया गया है कि उसने अपनी आधी दूरी 160 किलोमीटर की दूरी उसने 40 किलोमीटर की किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कंप्लीट की, और 120 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी की। तो अब हमें ये बताना है कि कार की औसत चाल क्या रही होगी। तो हमें पहले दूरी, टोटल दूरी निकालनी है, तो ये दूरी और ये दूरी मिला के हमने जोड़ दी तो हमारे पास 280 किलोमीटर आ गई। समय पहली वाली हमें दूरी और चाल दे रखी है तो उसका हम समय निकालेंगे, तो हमारा 4 घंटा आ गया। इससे हमने क्या किया, इसको इससे भाग किया और हमारे पास ये 4 घंटे आ गए। दूसरे में भी हम ऐसा ही करेंगे तो दूसरा समय भी निकल आएगा। अब हम टोटल समय को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल समय आ जाएगा। अब हमें पता है औसत चाल बराबर क्या होती है, औसत दूरी बटे औसत समय, तो हम यानी कुल दूरी बटे कुल समय, औसत नहीं लिखेंगे इसे, कुल दूरी बटे कुल समय, तो हमारे पास कुल दूरी आ गई 280, कुल समय हमारा कितना आया 8, तो 8 को हम जब हम भाग करेंगे 4 × 8 4 × 4 = 28 और हमारे पास आ जाएगा 70/2 यानी 35 × 70, तो हमारे पास इसकी कुल औसत चाल कितनी आ जाएगी, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक आदमी कुल 400 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है, उसे इस यात्रा में कितना समय लगेगा। तो आप सीधे से क्या करोगे, आदमी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है 400 किलोमीटर, और चाल कितनी थी उसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति हावर,
अब हमें समय निकालना है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो अगर हमें समय निकालना है तो हम क्या करेंगे, समय को इस साइड लेकर जाएंगे और चाल को इसकी जगह पे रख देंगे। तो हमने वही किया, दूरी बटे चाल। दूरी हमारी 400 किलोमीटर थी और चाल कितनी थी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, 2 दूनी 4, बच गए 20 घंटे, यानी समय कितना आ गया, 20 घंटे। तीसरा क्वेश्चन देखो, एक बस 10 मिनट तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से चलती है, बस कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ देखो, बस द्वारा लिया गया समय कितना होगा, 10 मिनट, और बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, हमें दूरी निकालनी है। अब बस का समय उसने कितना, किस में दे रखा है, मिनट में। अब हमें तो सेम यूनिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, घंटे में लाने के लिए 60 से भाग कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं ना, तो इसीलिए। तो हमारे पास 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, हमारे पास 1/6 घंटे आ जाएंगे। चाल हमारी क्या होती है, दूरी बटे समय। और अब हमें क्या निकालनी है, दूरी यानी चाल समय के, जब चाल गुणा समय कर देंगे तो हमारी दूरी आ जाएगी। चाल हमारी दे रखी थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें समय हमारा निकल गया है 1/6, तो हम इससे भाग करेंगे, 3 दूनी 6 और 15 15 45, तो हमारे पास 15/2 आ जाएगा, यानी 7.5 किलोमीटर हमारी दूरी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी 250 किलोमीटर है, एक बस को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस यात्रा को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखो, हमें दूरी दे रखी है दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच की 250 किलोमीटर, और बस की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें समय निकालना है, फिर से चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर हमारा कितना आ जाएगा, दूरी बटे चाल। तो हमने इसको भाग करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 एकम 5 5 25, यानी 5 घंटे हमारा समय आ जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे आंकिक प्रश्न पूरे होते हैं। अब आता है रिक्त स्थान, रिक्त स्थान आपको खुद ही करने होते हैं, फिर भी मैंने कुछ कर दिए, बाकी के जो रह गया वो खुद ही करना। फिर है परिभाषित कीजिए दोलनी गति। तो अणा का वन आप यहाँ से करेंगे, जब एक गोलक को एक तरफ थोड़ा सा विस्थापित कर दिया जाता है, और यहाँ दोलनी गति कहलाती है, ये कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप ये करेंगे निर्दिष्ट बिंदु और औसत चाल। निर्दिष्ट बिंदु का आप यहाँ से करेंगे, जब हम किसी वस्तु की स्थिति को निर्धारित करने की कोशिश करते हैं, से लेकर निर्दिष्ट बिंदु मूल बिंदु होता है तक। औसत चाल के लिए आप यहाँ से लिखेंगे, जब कोई वस्तु आसमान चाल से चलती है तो हम इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को लिए गए कुल समय से भाग करके इसके औसत चाल की गणना करते हैं, और ये आपको सूत्र भी लिखना है। आप देखिए बच्चों, इसमें एक ग्राफ भी बनाना है आपको। एक बस द्वारा तय की गई दूरी के आंकड़े दिए गए हैं सारणी में, इसके लिए आपको दूरी समय ग्राफ खींचना है और बताना है कि बस की एक गति एक समान होगी। तो यहाँ देखो, ये एक सारणी दे रखी है, और इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, आपको इसको ड्रॉ करने के लिए पहले समय और इसके जो सारणी दी है वो बना लेंगे। अब क्या करेंगे, एक तरफ नीचे की तरफ हम समय लेंगे और कुछ बराबर डिस्टेंस पे समय लेंगे, और इधर दूरी लेंगे मीटर में, और अलग अलग डिस्टेंस पे हम ये दूरी लिखेंगे। आपको ठीक से साफ साफ अपनी कॉपी में करनी है, ठीक। और अब हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड में वन सेकेंड में कितना दूरी चली, वो 24 मीटर चली, ठीक। उसके बाद में 2 सेकेंड के बीच में 35, यानी यहाँ पर इन दोनों के बीच में गैप कितना आ गया, लगभग 11 का। उसके बाद में दूसरे सेकेंड, तीसरे सेकेंड में जब पहुंची तो उसकी 39 मीटर चली। अब इनके बीच में गैप कितना आ गया, 4 मीटर, यानी समय पहले 11, पहले दूरी 11 थी, अब 4 हो गई। फिर देखो, अगली चाल में इसने चली तो यहाँ पर कितनी हो गई, 9 मीटर की दूरी हो गई, और यहाँ पर समय कितना था, 4 सेकेंड पे। फिर उसके बाद में 50, यानी अब 2। तो इस तरह से इसमें क्या हो रहा है, समय तो हमारा, समय अंतराल तो समय ठीक है, लेकिन दूरी हमारी भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार हम क्या बोलेंगे, बस की गति एक समान नहीं है। ओके बच्चों, तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।